एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बालों की सारी समस्याओं के बारे में बताऊंगी। गंजापन आना, बालों में जो गैप आ जाता है उसके बारे में आज बताऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और होम रेमेडी लेके आई हूँ। ये है हेयर केयर टिप्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी बालों की झड़ने की समस्या के बारे में, कैसे हम इसे जो है रोक सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो टाइम पे इस टाइम पे जो है हमारा जो है खाना नियमित नहीं हो पाता, जंक फूड की तरफ हम ज्यादा रहते हैं, डस्ट पॉल्यूशन, डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेशन, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती जो हमारी स्किन और हेयर पे जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जिसके लिए मैं जो आप लोगों के लिए जो टिप्स लेके आई हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है इसको बनाना। इस टिप्स को बताने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली इस वीडियो को आगे आप देखते रहिए। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी चैनल अच्छे लगता हो, अगर मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैं ले रही हूँ जैतून का तेल ले रही हूँ। आपके पास जैसा भी कोई सा भी जैतून का तेल है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है जैतून का तेल ले रही हूँ। आप सोच रहे हो जैतून के तेल से मसाज तो सभी करते हैं, मगर नहीं, ये थोड़ा सा अलग टिप है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आपको जो जैतून का तेल 2 से 3 चम्मच लेना है, क्योंकि अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना है, आपको ज्यादा भी नहीं लेना है। आप इसमें जो है जैतून का तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ जो है 2 बड़े चम्मच ले लिए तेल के। और आपको जो इसमें ऐड करना होगा पानी, जी हाँ, इसमें आपको जो पानी ऐड करना होगा, ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं, ये मैंने गर्म कर रखा है पानी, इसके अंदर काफी ज्यादा बॉयल किया है, बॉयल करा हुआ ही पानी इसके अंदर हमें इसमें ऐड करना है। आप इसको जो है जितना आपने तेल लिया है उतना ही आप इसमें पानी ले सकते हैं। इन दोनों को जो अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसको जो है अपने बालों में लगाना है, बालों में लगाना है। देखिए मैं इसको जो है बालों में लगाऊंगी। और बालों में लगाने के बाद आपको जो इसको ऐसे स्पंज की तरह करना है, आप चाहे कॉटन से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करना है आपको सारे अपने जो इसको करना है। आपको जो इसको मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सारे जो है अपने मांग, जैसे ये जो हमारी लाइंस होती है इस पर आपको जो है मसाज करना, ऑयल लगाना है। और ये तब तक आपको जल्दी जल्दी लगाना होगा, क्योंकि जितना ही गर्म पानी होगा उतना आपका जो असर करेगा आपके स्कैल्प और रूट्स पे। आपको ऐसे करके जो अपने पूरे हेयर्स पे आपको लगाना होगा। इससे क्या है कि आप लोगों की जो है रूट्स जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। आप लोगों के जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है उससे भी जो हमारे पीएच लेवल जो होता है बॉडी का और हमारे स्किन और हेयर्स का जो है बिल्कुल जो है बैलेंस बन जाएगा। आप इसके थ्रू जो है ऐसे करके जो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। और उसके बाद जो आपको ये लगाने के बाद, जैसे आप पूरे आपको ट्रायल दिखा रही, जैसे आपने पूरे अपने हेयर्स पर लगा दिया आपने, उसके बाद आपको एक टावल लेना, टावल को डिप करना है अपने गर्म पानी में। गर्म पानी में करने के बाद जो है आपको अपने जो है बालों को जो है बिल्कुल जो है गर्म गर्म पानी में इसको जो है ऐसे करके इसको 2 से 3 बार आपको इसको जो है लगाना होगा। क्योंकि गर्म गर्म पानी से ही आपके जितना भी आपने ऑयलिंग करी होगी वो सारा जो है रूट्स में, स्कैल्प में आपके जा सके अच्छे से अच्छे। क्योंकि बालों में जो है बिल्कुल अच्छे एंड तक अगर आप ये स्प्रिट्स तक करेंगे तो आपके बाल जो है बहुत जल्दी जो है झड़ना बंद हो जाएंगे। आप इसे जो है सिर्फ 4 से 5 बार इसका यूज़ करेंगे तो आपको खुद इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपके बाल जो है बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जब भी इसको जब भी मतलब बाल झड़ते हैं तो उनके जो है यहाँ से जो है गंजापन आना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं से जैसे हम कोई पो नहीं करते, चोटी करते, तो यहाँ से जो है गंजापन आना स्टार्ट। और आप देखते होंगे कि मेरे देखिए बिल्कुल भी गंजापन नहीं है, क्योंकि मैं जो है यही पे ये लगाती हूँ, जिससे कि हमारे इससे ऐसा करने से जो हमारे बालों में रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे नए बाल जो है और आना स्टार्ट होते हैं। आपको पता है कि जैतून के तेल में जो है कितनी सारी जो विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीफंगल का काम करता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मतलब बेनिफिट करता है हमारे स्किन और हेयर के लिए। आप इसे जो है अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं, मगर डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं इसकी तासीर होती है, थोड़ी सी गर्म होती है। आपको इसको जो है किसी चीज़ के साथ, जैसे कि आपको हल्के से गर्म पानी की कुछ बूंदें आपको ऐड करके अपने फेस पे इसको रब करना चाहिए। आज मैंने आपको 2 टिप्स दे दिए, मगर ये जो मैंने आपको जो मेन बताया पानी की, जो गर्म पानी के अंदर जैतून तेल को ऐड करने से, आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, सभी को पता है इसके बारे में, क्योंकि बालों की सारी समस्या जो है हमारी झड़ने की सारी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर। ऐसी छोटी छोटी होम रेमेडीज और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। बाय बाय।